फैक्ट्री होती है ना उसके नाम से, उसके अंदर स्टील का वायर नहीं होता था, सारे एल्यूमिनियम के वायर होते थे, सात तार होते थे, सातों का गुच्छा बनाया हुआ था। इस ACSR विजुअल कंडक्टर के सेंटर में एक स्टील का तार होता है, चारों तरफ छह तार एल्यूमिनियम के होते हैं। इस डॉग कंडक्टर के अंदर सात तार स्टील के होते हैं जिनका गुच्छा होता है, उसके ऊपर छह तार एल्यूमिनियम के होते हैं, सात स्टील के होते हैं पतले पतले, उनका भी गुच्छा होता है, फिर इसके ऊपर एल्यूमिनियम का गुच्छा, ये एल्यूमिनियम के छह तारों का गुच्छा होता है इसका डॉग कंडक्टर। इससे जो बड़ा आता है उसको बोलते हैं जेब्रा कंडक्टर, वो उससे भी थोड़ा बड़ा आता है, उसके ऊपर आता है उसको बोलते हैं पैंथर। आपने 132 220 केवी की लाइन देखी होंगी, बड़े बड़े मोटे मोटे कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं वो, उसके अंदर गुच्छा फिर गुच्छा फिर गुच्छा फिर गुच्छा। अब फिर वो ये देखो स्टे वायर कहाँ है, अच्छा कोई स्टे ताना उतार है, नहीं नहीं स्टे वायर ताना उतार, अरे लगाना नीचे ऐसे में बाहर, वो बाहर लगा है बाहर, ये रहा ये देखो ये रहा ये रहा ये रहा, ये सात तारों का गुच्छा होता है, अर्थिंग वायर 132 केवीए की लाइन देखी होगी आपने, ऊपर सेंटर में दो तार चलते हैं पतले पतले, वो वायर होते हैं ये, इसके अंदर हाँ ये, इसको ज्यादातर अर्थिंग के काम में लिया जाता है, अर्थ में या लाइटिंग असिस्टर, वो एले होती है, वो दूसरी चीज है, वो देखो वो लगी हुई वहां उस तरफ देखो, मुड्डा टाइप दिख रहा है क्या, मुड्डा टाइप दिख रहा है क्या, गोल गोल चक्री चक्री से आगे देखो ऐसे ऐसे मुड्डा टाइप है ना, तीन मुड्डा टाइप, ठीक है वो है एले लाइटनिंग असिस्टर, उनको 11 से जोड़ दिया जाता है, आकाशीय बिजली को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड कर देते हैं वो, ये इनको बोलते हैं पी आई यानी पोस्ट इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर बोलते हैं इनको, ये